लोग बन रहा है, हम लोग को बताइए कहाँ जा रहे थे, ऐसे करोगे तो। दरअसल ये पागलपंती ब्लॉग बन रहा है, यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है। स्लाइड का मजा लो और मौसम का मजा लो। तो मौसम तो काफ़ी चिलचिलाती धूप है, बट कोई नहीं, मज़ा बहुत आ रहा है। फिलहाल अभी मैं वो टाटा रोड पे और कहाँ जा रहे हैं उसको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, तो आप लोगों को क्या बताऊँ। बस देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे तेल भी नहीं है, बस एक पॉइंट है, जहाँ तक जाएगा ये जाएगा, उसके बाद पता नहीं फिर क्या होगा। तो सीन देखिए, आप लोग गैस कर सकते होंगे, अगर कहीं घूमे हैं तो पक्का बता सकते होंगे ये कौन सा जगह है। और इधर बगल में घाटी उठी भी है, काफ़ी होता है सेफ राइड, सेफी राइड है। एक्सीलेटर देख रहे, एक्सीलेटर नहीं कर रहे हैं तो भी चल रहा है, वो भी 45 का स्पीड में, जादू वाला गाड़ी है। देखो घाटी दिख रहा, खतरनाक दिख रहा है, बड़ी खतरनाक घाटी देख सकते हो। ट्रक ट्रक के चढ़ने में लग रहा, मेरा गाड़ी 50 के स्पीड में चल रहा है। अरे यार कतई जहर वाला गाड़ी, क्या कतई जहर अपने चल रहा है। गाइस, तो पागलपंती ब्लॉग के चलते मैं पहुंच चुका हूं अभी चांडिल डैम का रास्ता। देखिए रुको यार, पीछे पीछे दौड़ते रहे हैं। प्रॉपर चांडिल डैम तो नहीं पहुंचे हैं, यहां से देखो 1.5 किलोमीटर दिखाता है। कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर। ये जो पुल दिख रहा है ना, बड़ी ख़तरनाक लोकेशन है, ये तो इंडिया और पाकिस्तान वाला बॉर्डर वाला नज़ारा है। देखिए चाहिए है सीन है चांडिल डैम का, बहुत ही बड़ा है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तो गाइज ये छोटा सा पुल है चांडिल डैम के सामने है, देखिए इंडिया पाकिस्तान वाला सीन है, छोटा सा पुल है ये बॉर्डर टाइप में। आवश्यक सूचना, सावधान, पानी गहरा है, यहाँ पानी में नहाना सख्त मना है। ये कहाँ का सीन है आपको पता है? नहीं पता है, चलो मैं बता देता हूँ। ये है चांडिल डैम का नज़ारा, बहुत ही बड़ा है ये, देख रहे हैं इसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ से स्टार्ट करें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ ख़त्म होने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करें, इसका अंतिम छोर ही पता नहीं चल रहा है, इतना बड़ा है ये चांडिल डैम। तो पागलपंती ब्लॉग मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? टाटा रोड से। और अभी मैं कहाँ हूँ? अभी हूँ चांडिल डैम में मैं, यानी पागलपंती वाला ब्लॉग यहाँ पे इस पड़ाव पे पहुँच के ख़त्म होता है। तो देखिए चांडिल डैम बहुत ही बड़ा है और काफ़ी मज़ेदार भी है, अच्छा जगह है। ये झारखंड में ही है, जो झारखंड से नहीं है उनके लिए बता देता हूँ कि ये झारखंड में है, झारखंड जमशेदपुर के निकट में है ये चांडिल डैम, जमशेदपुर एरिया ही पड़ता है ये। तो आइए कभी यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ बोटिंग वगैरह का भी व्यवस्था है, बोटिंग का चार्ज है 100 रुपये पर हेड, आप लोग 5 मिनट उसका समय कर सकते हैं, यानी 100 रुपये में 5 मिनट हो सकता है बोटिंग। हेलो गाइस, तो आइए ना देखिए, यहाँ कहने आते हैं आप लोग, अरे कभी आइए, कभी झारखंड में है, जमशेदपुर के निकट में है ये, और थोड़ा थोड़ा यहाँ जंगल वाला फीलिंग भी आ जाएगा।
जंगल भी है, देख रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा है ये, वो टापू जैसे दिख रहा है, और वो दिख रहा है वो भी टापू ही जैसे है। कहाँ तक एंडिंग है कोई पता नहीं है इसका, इतना बड़ा है ये चांडिल डैम। ये तो जा रहा ना, ये स्टीमर बोट है, देख इसमें जो यात्रीगण है उसको बड़ी मज़ा आ रहा होगा बोटिंग करने में। देख रहे हैं कैसे स्मूथली चल रहा है, वाह यार, आज मेरे पास बजट नहीं है तो हम भी कर लेते। अच्छा कोई नहीं, आएंगे कभी। एंडिंग हो गया तो चांडिल के हम लोग दूसरा छोर जा रहे हैं, दूसरा पार्ट तरफ, ये जंगल वाला पार्ट तरफ। दिख रहे हैं बड़ा बड़ा सराय का पेड़ दिख रहा है, और देखिए चांडिल डैम उधर से हम लोग इधर आए हैं। दिख रहे हैं पीछे साइड पेड़ उड़ है, जंगल का सीन दिखाया था ना, बस यही साइड में है अभी। इसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और यहाँ पे मछली पालन भी होता है। यहाँ देखिए बगल में है, छोटा छोटा बनाया गया है, देख रहे हैं जनरेटर का व्यवस्था है, पानी उनी छिटने के लिए। पूरा चट्टान है ये, इधर चट्टान में उसमें कुछ पैंडा का टैटू बनाया गया होगा, देखिए इस टाइप से है पत्थर उत्थर इधर। और उधर चांडिल डैम, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे मछली पालन होता है, केज अच्छा खासा बनाया गया है, पूरा एरिया पे बड़ा ही है, यहाँ से वहाँ तक पूरा लंबा है, और उधर टापू जैसे दिख रहा है। देखिए ड्राम का स्ट्रक्चर से बनाया गया है ये केज, जहाँ पे मछली पाला जाता है, और उसके बाद मछली पाल के उसको क्या करता है, निकाला जाता है, उसके बाद मार्केटिंग किया जाता है। देखिए मस्त नज़ारा है चांडिल डैम, जंगल भी है इधर। स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे, उसके बाद घर की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि शाम हो चुका है। चांडिल डैम में भाई लोग मजा लेते हुए तैरने आता है, मुझे तो नहीं आता इसलिए यहाँ बैठा हूँ गंगाधर के जैसे। तो चांडिल डैम का हम लोग यहाँ पे हैप्पी एंडिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। देखिए ऊपर वाला नज़ारा ऐसे है, पेड़ पौधा वाला, और ये तो मेन है जो कि चांडिल डैम है, पता नहीं चल रहा, दिखता भी नहीं है यार कितना बड़ा है ये। चलिए फिर हैप्पी एंडिंग रहेगा यहीं पे, सभी को बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।